हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कसिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो टू द पार्ट इज SST। सभी बच्चे पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं एंड अदर सब्जेक्ट, सभी चीज़ों को रिकगनाइज करते हैं, बट माइंड में बेसिकली समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट हम पढ़ क्या रहे हैं या उसका यूज़ कहाँ है या उसको हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे आगे जाके। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का वीडियो बनने वाला है, वो ये होने वाला है कि SST बेसिकली होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जब सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन हो कि व्हाट इज SST। ओके स्टूडेंट्स, कि SST है क्या। तो हम लोग जो SST पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली होता क्या है कि SST को पूरा आज क्लियर रूट से लेकर जो भी आपके नियर अबाउट अपर साइड का एरिया है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। SST सब्जेक्ट मीन्स होता क्या है, तो बेसिकली हम सभी जानते हैं, नॉर्मल एज यू नो दैट SST इज अ बेसिकली सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज एंड ऑल्सो कॉल्ड सोशल साइंस एंड अदर हिंदी मीडियम इज कॉल्ड सामाजिक विज्ञान। तो हम जो चीज़ें समझने वाले हैं, हमारा SST का एक फर्स्ट एपिसोड है। ओके स्टूडेंट्स, SST ए फर्स्ट एपिसोड। ओके स्टूडेंट्स, तो SST का बेसिकली हम फर्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं कि SST है क्या। देन आफ्टर आपको सब कुछ समझ में आएगा कि जो भी SST का पार्ट है या जो भी आपको बताए जाएंगे तो उसको हम समझेंगे। ओके, तो हमारा जो वीडियो आज का बनने वाला वो ये होने वाला है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ SST सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, SST सब्जेक्ट यानी SST सब्जेक्ट का फुल कॉन्सेप्ट क्या है या कैसे समझेंगे, इसी को मैं आज आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, SST जो डेरिवाइड फॉर्म है नियर अबाउट, इसको हम डिवाइड करते हैं तो टोटल 4 फॉर्म में डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फॉर्म्स, टोटल 4 फॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज ऑल्सो हिंदी नेम इज कॉल्ड इतिहास। ओके स्टूडेंट्स, इतिहास। एंड सेकेंड थिंग्स हम पढ़ते हैं SST का सेकेंड पार्ट, जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स भूगोल। अभी इसको हम अच्छे से आपको कवर कराएंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज जियोग्राफी एंड व्हाट इज सिविक्स। ओके, तो थर्ड चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सिविक्स। सिविक्स को हम कहते हैं हिंदी में नागरिक शास्त्र। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र। अब इसमें है क्या, लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अब स्टूडेंट्स, अब हमने देखा SST इज अ मेनली पार्ट वाइज डिवाइड फ्रॉम ओनली 4 पार्ट। फर्स्ट इज हिस्ट्री, सेकेंड इज जियोग्राफी एंड थर्ड इज सिविक्स एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मेनली हम लोग यही समझने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या है या जियोग्राफी क्या है, सिविक्स क्या है एंड इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो चीज़ समझने वाले हैं कि हिस्ट्री है क्या, तो फर्स्ट माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री है क्या। तो हम पढ़ते क्या है, हिस्ट्री एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम लोग नोट करें तो होता है, हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द पास्ट इवेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको चाहे तो आप रिटेन भी कर सकते हैं विथ माई लैंग्वेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ पास्ट इवेंट्स। दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, डिफिनेशन है हिस्ट्री का। हम लोग कैसे बोलेंगे, हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ अ पास्ट इवेंट्स। हम जो पास्ट इवेंट्स की बातें करते हैं, जो बीते हुए समय की बातें करते हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन सभी का हम जब नॉलेज को क्या करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं, एक उसको नॉलेज को हम समराइज करते हैं या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस डिफिनेशन को समझ लिया, तो अब क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है। तो हिस्ट्री जो है मेनली आपको 3 पार्ट में डिवाइड है। हाउ मेनी पार्ट स्टूडेंट्स, मेनली 3 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एंशियंट हिस्ट्री।
एंड सेकेंड इज कॉल्ड मॉड्यूल हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, मॉड्यूल हिस्ट्री. एंड थर्ड इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री. तो व्हाट इज एंशियंट हिस्ट्री एंड व्हाट इज मेडिवल एंड व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री. तो बेसिकली हम समझते क्या हैं कि एंशियंट हिस्ट्री क्या है, प्राचीन समय का जो टाइम है उसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं. मॉडर्न पीरियड क्या है कि जो आपका नियर अबाउट मुगल एम्पायर है. अदरवाइज हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें लाइक 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट टाइम. बट इसमें बेसिकली है क्या कि हम डेट वाइज अगर अच्छे से पढ़ें तो उसमें आपको यही पढ़ाया जाता है जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है नियर अबाउट 3000 BCE से लेकर 3000 BCE से लेकर बिफोर क्रिस्ट एरा से लेकर नियर अबाउट आगे जाके आपको डिवाइड होता है 6th सेंचुरी तक. 6th सेंचुरी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें है क्या याद रखना है आपको कि एंशियंट हिस्ट्री इज डिवाइड फ्रॉम टू 3000 BCE बिफोर कास्ट एरा टू 6th सेंचुरी, यानी 6 शताब्दी तक आपका एंशियंट हिस्ट्री डिवाइज किया गया है. आगे जब हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री का, तो मेडिवल हिस्ट्री आपका 6th सेंचुरी के बाद ही स्टार्ट होगा. तो ये होता क्या है कि नियर अबाउट कहा था कि मेडिवल हिस्ट्री जो आपका मध्यकालीन इतिहास जिसको हम बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे मध्यकालीन इतिहास. तो मेडिवल हिस्ट्री जो आपका डिवाइड है 5th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी टू 1500 तक का जो टाइम है इसी को हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री. यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे मेडिवल पीरियड. अब आगे आपको समझाया जाएगा कि व्हाट इज BCE. हमारे एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो को मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि BCE क्या है, AD क्या है या BCE क्या है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा. बस आज हम जो पढ़ने वाले वो पहले समझिए कि एंशियंट हिस्ट्री इज प्राचीन इतिहास जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एंशियंट हिस्ट्री डिवाइज जो फ्रॉम टू द 3000 BCE टू 6th सेंचुरी, मतलब 3000 से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम है उसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, जिसको प्राचीन इतिहास बोलते हैं. सेकेंड जो चीज़ है मेडिवल, जिसको हम मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं. इस मेडिवल पीरियड का जो डिवाइडेशन है 5th सेंचुरी से लेकर 1500 मीन्स 15th सेंचुरी का जो आपका टोटल पीरियड ऑफ टाइम है मॉडर्न पीरियड का है. ऐसे आगे जब हम पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया गया जाता है मॉडर्न पीरियड. तो मॉडर्न पीरियड को हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास. क्या बोलते हैं? आधुनिक इतिहास. तो आपका मॉडर्न जो पीरियड है या मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है 1500 से लेके प्रेजेंट तक का जो टाइम है उसको हम पढ़ते हैं. इसमें 1500 CE इसको बोलते हैं. आगे आपको डिवाइड किया बताया जाएगा. यानी 15वीं शताब्दी से लेके आज तक का जब जो टाइम हम आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ तक का जब जो टाइम है वो क्या मॉडर्न हिस्ट्री है. तो हमने पढ़ा क्या स्टूडेंट्स कि व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद अ पास्ट इवेंट्स. एंड हमने हिस्ट्री के जो काइंड्स पढ़े तो टोटल हिस्ट्री के 3 काइंड्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मॉड्यूल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो हमने पढ़ा क्या कि एंशियंट हिस्ट्री क्या है आपका 3000 BC से लेकर 6th सेंचुरी तक है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. एंड मॉड्यूल पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है 5th सेंचुरी से लेकर 1500. एंड जो आपका मॉडर्न पीरियड है ये आपका 1500 टू प्रेजेंट, मतलब आज तक का जो टाइम है वो किस हिस्ट्री में आएगा, तो आपका इसी में आएगा मॉडर्न पीरियड में. अब हम इसमें जो भी आपके इवेंट दिए गए हों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का पूरा जो चैप्टर है हम लोग 6 to 12 तक कवर करेंगे. उसमें सब आपको जितने भी आपके इम्प्रेस जो हैं हमारे कंट्री के जो रूलर्स हैं लाइक हमारे कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स या जो भी हमारे कंट्री में रहे हैं लोग या अदर कंट्रीज लाइक यूरोप हो या एशिया के जो भी कुछ कंट्री हैं लाइक इंडिया इज अ मेनली कंट्री. तो हम इन सभी कंट्री में जो भी रूलर्स आए कब सेंचुरी किस एंशियंट हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में या आपके मॉडर्न हिस्ट्री में इन सभी को हम हिस्ट्री को कवर करने वाले. ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, समझिएगा क्या होता है. ओके, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक हिस्ट्री आपको कवर कराया. अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी. क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज जियोग्राफी.
तो जियोग्राफी बेसिकली है क्या? जियोग्राफी मीन्स होता है कि हम जब कभी स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस पढ़ते हैं या वर्ल्ड सरफेस को लेके फिजिकल क्वालिटीज़ पढ़ाया जाता है, क्लाइमेट्स पढ़ाए जाते हैं, पॉपुलेशंस पढ़ाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एट्सेट्रा। अगर हम डिफिनेशंस की नोट करें तो हम पढ़ेंगे क्या, जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस। क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड सरफेस। और वर्ल्ड सरफेस में आपके आएंगे क्या क्या? तो बेसिकली हम जानते हैं क्लाइमेट्स होंगे, क्या होंगे, क्लाइमेट होगा, पॉपुलेशन होगा, ओके, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, फिजिकल क्वालिटीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम पढ़ने जो वाले हैं वो प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जो भी हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एटसेट्रा। तो बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज़ द जियोग्राफी, दिस इज़ अ डिफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो जियोग्राफी का जो डिफिनेशन वो क्या है, जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस लाइक अ क्लाइमेट, पॉपुलेशन, फिजिकल क्वालिटीज, प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। हम जियोग्राफी में पढ़ते क्या, जियोग्राफी मीन्स भूगोल, जियोग्राफी में हम पढ़ते क्या है, वर्ल्ड का जो सरफेस है, वर्ल्ड सरफेस मीन्स पूरे विश्व का जो सरफेस है, जो एरिया है, या उसके जो क्लाइमेट्स हैं, या उसके पॉपुलेशन जो है, या उसकी जो फिजिकल क्वालिटीज है, उसको हम पढ़ने वाले हैं एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जियोग्राफी में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या क्लाइमेट क्या कहाँ कब कहाँ है, तो किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जियोग्राफी में। पॉपुलेशन मीन्स किस कंट्री का कितना पॉपुलेशन, लाइक मान लीजिए हमारे कंट्री का क्या है 144 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, जियोग्राफी में। या फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो हम जानते हैं देयर आर ओनली सिक्स टाइप्स फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, इन आवर कंट्री, टोटल 6 टाइप फिजिकल फीचर्स इन आवर कंट्री इंडिया। हमारे कंट्री इंडिया में टोटल 6 टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं, जो हम ऊपर से काउंट करें तो आपका नियर अबाउट कहा जाता है पेंसुलर रीजन है, आगे ऊपर काउंट करें तो आपका नॉर्दर्न हिमालय रीजन है, एंड आपको डिजर्टी एरिया मिलेगा, नीचे आएंगे तो आपका प्लेटू एरिया मिलेगा, देन साइड में आप नीचे आएंगे डाउन साइड तो आपको मिलता है आइलैंड्स मिलेंगे, सदर्न एरिया मिलेगा। और ये जो आपके नियर 6 फीट फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, ये आपको 9th क्लास में बेसिकली ड्रेवाइज करके पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें हैं उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जियोग्राफी जो है क्या, स्टडी ऑफ अ वर्ल्ड सरफेस, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, फिजिकल क्वालिटी, प्रोडक्ट एट्सेट्रा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे जो थर्ड टॉपिक है सिविक्स का, ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिविक्स। तो सिविक्स बेसिकली होता क्या है, सिविक्स में हम सभी जानते हैं कि इसमें हमको मोरलिटी पढ़ाया जाता है, लाइक आवर राइट्स या आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। तो बेसिकली हम एक छोटा सा डिफिनेशन नोट करें तो होता क्या है, स्टडी ऑफ द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सिविक्स इज अ स्टडी ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का जो ड्यूटीज है, ड्यूटीज मिस होता है कर्तव्य और राइट्स मिस होता है अधिकार। तो हमारे संविधान के जो भी कर्तव्य हैं या अधिकार हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम इस सिविक्स सब्जेक्ट में या सिविक्स जो आपका पार्ट है SST का, उसी में हम कवर करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये बेसिकली बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर हम अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें तो आपको ड्यूटीज़ या राइट्स जो भी हम समझ लें तो आप सिविक्स मेनली हम पढ़ सकते हैं। और इसी सिविक्स चैप्टर से आपको नियर अबाउट आगे जाके हम पढ़ते क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेंडमेंट होता है, नियर अबाउट कभी भी अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग राइट्स या ड्यूटीज़ को चेंज किए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। बाकी हम लोग चौथा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्थ टॉपिक SST का, वो है इकोनॉमिक्स। व्हाट सेंटेंस? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, तो छोटा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स को हम सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इज मनी, यानी हम किसी मनी की बात करें या किसी हमारी कंट्री का जो GDP हो, GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP जो हमारे कंट्री का है डिफाइन होता है, वो किस सब्जेक्ट में डिफाइन होता है, इकोनॉमिक्स में।
और इकोनॉमिक्स से ही पढ़ पढ़ के लोग फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। लाइक आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी क्या है, इकोनॉमिस्ट होते हैं लोग। आपके इंडिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल इकोनॉमिस्ट जो थे आपके अरुण जेटली, जो हाल ही में लास्ट ईयर उनका डेथ हुआ। तो हम लोग जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली डिफिनेशन समझते हैं होता क्या है। द इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी। ओके, हम लोग पढ़ने के वाले क्या, इकोनॉमिक्स इज अ प्रिंसिपल्स, सॉरी आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, समझिएगा होता क्या, बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ वे ऑफ प्रिंसिपल द वे ऑफ मनी, मनी बिजनेस, मनी बिजनेस एट्सेट्रा, या हम जो चीज़ें बतानी है वो क्या है, समझानी है आपको। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल अ वे ऑफ मनी बिजनेस एट्सेट्रा, यानी पैसा जो है हमारे इंडिया का जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो अलग बात है, रिसोर्स जो हमारे कंट्री का ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका पूरा थ्योरी है, डिडक्टेड फॉर्म है, तो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज अ प्रिंसिपल वे ऑफ मनी बिजनेस एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें होता क्या है कि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, तो ये बेसिकली है क्या, एसएसटी का टोटल 4 पार्ट है जो हमने आपको बताया, अच्छे से समझाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा कि एसएसटी आपने समझा, एसएसटी सब्जेक्ट है क्या। बेसिकली एसएसटी को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन में समझा कि एसएसटी इज अ सोशल स्टडीज एंड ऑल्सो पार्ट काइंड स्पॉट ऑफ ओनली 4 हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन्जॉय द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।